देखो यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको फिर से बता दें यहाँ पर हम, देखो जैसे कि मान लो ये एक रेखा है और ये दूसरी रेखा है, ठीक। इस रेखा का आपको समीकरण दिया गया है और इस रेखा का समीकरण दिया गया है, ठीक। तो आपको करना क्या है, इस रेखा पर जो स्थित बिंदु है वो बिंदु आपको निकाल लेने, ठीक। उसके बाद इस रेखा पर जो स्थित बिंदु है वो भी आपको निकाल लेने, ठीक। और स्थित बिंदु कैसे निकाला जाता है, आप उसके बराबर एम मान लो या एन मान लो, और मानने के बाद यक्स वाई का यक्स वाई जेड जो यानी कि वैल्यू आएगा वही आपका स्थित बिंदु हो जाएगा इस पर, ठीक। तो जैसे कि आपको यहाँ पर सवाल में दे दिया जाएगा, इसका जो समीकरण होगा ना रेखा का, ये दे दिया जाएगा, ठीक। और आपसे कहा जाएगा कि ये दोनों रेखा जो है एक दूसरे को काट रहे हैं, और काट रहे हैं तो आप इस चीज़ को सिद्ध करो कि ये एक दूसरे को काट रहे हैं, ठीक। तो और आपसे पूछ लिया जाएगा कि आपको कटान बिंदु भी बताना है, ठीक। तो जैसा कि आपने एक सवाल देख ही लिया, ऐसा पूछा गया था, ठीक। तो अब क्या करना है आपको, ऐसे में आपको सिद्ध कैसे करना है और कैसे कटान बिंदु निकालना है। तो कटान बिंदु तो को तो मतलब कि यहाँ पर ये जो बिंदु, इस पर जो स्थित बिंदु है, यही आपका कटान बिंदु हो जाएगा, और दोनों का जो बिंदु होता है वो सेम होता है, ठीक। तो आएगा यहाँ पर, आप चाहे तो इसका बिंदु निकाल लें चाहे इसका बिंदु निकाल लें, ठीक। आप क्या करो, इसका जो स्थित बिंदु है और इस पर जो स्थित बिंदु, दोनों को बराबर बराबर कर दो, ठीक। एक दूसरे के बराबर जब कर दोगे तो वहाँ पर आपको तीन समीकरण मिल जाएंगे, ठीक। कितने समीकरण मिल जाएंगे, तीन समीकरण आपको मिल जाएंगे। अब इन तीनों समीकरण आपको करना क्या है, इस वाले समीकरण को, इस वाले समीकरण को, चाहे तो आप समीकरण दो और तीन को सॉल्व कर लो, ठीक। अगर आप मान लो एक और दो को नहीं सॉल्व करना चाहते तो आप समीकरण दो और तीन को सॉल्व कर लो और समीकरण एक को संतुष्ट करा दो, ठीक। तो यानी आपको क्या करना है, दो समीकरण को हल कर लेना है और तीसरे से फिर उनका जो मान आएगा, एम और एन का जो मान आएगा, वो आपको क्या करना है, समीकरण तीन में संतुष्ट करा देना, ठीक। अगर समीकरण तीन उन दोनों मानों से अगर संतुष्ट हो जाता है तो इसका मतलब कि वो एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रहे हैं, अगर संतुष्ट नहीं होता है तो इसका मतलब वो एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं कर रहे हैं, ठीक। जो रेखा है ये एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं कर रहे हैं, तो ऐसे आपको सिद्ध करना, ठीक। अब यहाँ पर बिंदु कैसे निकालना है, तो बिंदु में आप चाहे m का वैल्यू रख दे चाहे n का वैल्यू रख दे, ठीक। जैसे रखोगे तो ये बिंदु आपको मिल जाएगा, ठीक, जैसा कि आपने सवाल देख ही लिया, ठीक। चलो अब और भी सवाल लगाते हैं, और भी अगर डाउट आपका जो रह गया होगा आप क्लियर हो जाएगा, ठीक। और यहाँ पर कहा गया है कि सिद्ध कीजिए कि बिंदुओं, एक बिंदु ये दिया दिया गया है और दूसरा बिंदु ये है, और तथा में लिखा गया है सी और डी, ठीक। तो मतलब चार बिंदु आपको दे दिए गए हैं, और कहते हैं कि इनको मिलाने वाली जो रेखाएं हैं वो एक दूसरे को काटती हैं, ठीक। तो रेखाओं का प्रतिच्छेदन बिंदु यानी प्रतिच्छेद बिंदु भी ज्ञात करना, ठीक। तो आपको इसमें भी वही चीज़ करना है जो इसके पहले किया था, सिर्फ यहाँ पर जो सवाल का शक्ल है वो बदल दिया गया है, ठीक। तो देखो यहाँ पर इन दोनों, मतलब सबसे पहले हम लोग इन दोनों बिंदु का, बिंदु से जो रेखा बनेगी उस रेखा को पहले हम लोग उसका कार्तीय समीकरण निकाल लेंगे, फिर उसके बाद इस रेखा, इन दोनों बिंदुओं द्वारा जो एक रेखा बनेगी उसका निकाल देंगे। फिर हमें सिद्ध करना है कि ये जो इन दोनों बिंदुओं द्वारा जो रेखा बनेगा और इन दोनों रेखा यानी कि बिंदुओं द्वारा जो रेखा बनेगा, वो कहते हैं, सवाल कहता है कि वो जो रेखा बनेगा दोनों, वो दोनों रेखा एक दूसरे को काटती हैं। तो ये चीज़ हमें सिद्ध करना है, और उसके बाद जो उनका कटान बिंदु होगा, जैसे कि एक रेखा ये है एक रेखा ये है, तो ये जो कटान बिंदु है ये भी हमें ज्ञात करना है, ठीक। तो बहुत सिंपल सी बात है। चलो सबसे पहले हम लोग इसको क्या करते हैं, इसका वैसे कि इस तरीके के जो सवाल है ना वो बस यही है, वरना आपको जितने भी सवाल हैं सब में आपको समीकरण दे दिया जाएगा, लेकिन इसमें समीकरण दिए नहीं है, और दी मतलब आपको निकालने समीकरण यहाँ पर निकालने के लिए सिर्फ आपको पॉइंट दे दिया गया है, ठीक। तो देखो आपको कैसे करना है, सबसे पहले तो इन दोनों का जो रेखा है, रेखा का समीकरण है वो निकाल लेते हैं, ठीक। तो यहाँ पर ए नंबर बिंदु आपका दिए दिया गया है, 0-1 है और -1 है, ठीक। और बी नंबर जो पॉइंट है वो आपका है 4, 5 और 1 है, ठीक। तो अब यहाँ पर करना क्या आपको, अब आपको यहाँ पर करना क्या है, यहाँ पर इसको x1 मान लेना है, इसको y1 मान लेना है, इसको z1 मान लेना है, और इसको x2 मान लेना, इसको y2 और इसको z2 मान लेना, ठीक। अब यहाँ पर आपको निकालना क्या है, रेखा का कार्तीय समीकरण। तो यहाँ पर रेखा का समीकरण जो हो जाएगा, रेखा का समीकरण, ठीक। तो रेखा का समीकरण जो हो जाएगा, देखो इसके लिए सूत्र आपको बता देते हैं, x-x1 बटे में x2-x1, ठीक, और बराबर में y-y1 बटे में y2-y1, ठीक, बराबर में z-z1, इसी तरीके से हो जाएगा z2-z1 हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पर करना क्या आपको,
यक्स वन और यहाँ पर यक्स टू, इन सब का वैल्यू रख देना है, बस आपका समीकरण मिल जाएगा। ठीक, कि इन दोनों रेखा द्वारा जो आपका जो इन दोनों बिंदुओं द्वारा जो रेखा बनेगा वो मिल जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर हो जाएगा यक्स माइनस यक्स वन के स्थान पर देखो ये है ना आपने जीरो माना, तो यहाँ पर जीरो है और बटे में यक्स टू के स्थान क्या है हमारा चार है, और उसके बाद माइनस यक्स वन के स्थान पर कितना है जीरो है, तो जीरो जाएगा और बराबर में वाई माइनस और y1 कितना है माइनस एक है, तो माइनस पहले से है माइनस एक वो भी है, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और बटे में y2, y2 कितना है पाँच है, माइनस कितना हो जाएगा y1 माइनस एक है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक, उसके बाद z माइनस, तो यहाँ पर कितना है z1 कितना है माइनस एक है, तो ये भी हो जाएगा प्लस वन हो जाएगा, और बटे में जेड टू हमारे पास कितना है एक है, और यहाँ पर कितना है माइनस एक है, तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक, तो अब यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा यक्स बटे में चार हो जाएगा, बराबर में यहाँ पर हो जाएगा वाई प्लस में वन और बटे में पाँच एक कितना हो जाएगा छः हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा जेड प्लस में वन हो जाएगा और बटे में एक एक दो हो जाएगा। ठीक, तो ये आ गया हमारा इस रेखा का जो कार्तीय समीकरण। ठीक, अब आपको पता है कि जब कार्तीय समीकरण हमें पता होता है तो क्या होता है, हम लोग इस पर अब निकालेंगे कि इस रेखा पर स्थित जो बिंदु है वो क्या है। ठीक, तो यहाँ पर इसके बराबर चलो हम लोग यहाँ पर एम मान लेते हैं। ठीक, अब एम मान कर ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर, देखो देखो इस सवाल में और सवाल नंबर एक और सवाल नंबर दो में अंतर बस इतना सा है कि इसमें डायरेक्ट आपको मतलब जो रेखा का समीकरण होता है वो नहीं दिए हैं। आपको क्या करना है, पहले रेखा का समीकरण निकाल लेना है, फिर उसके बाद आपको वैसे ही लगाना है जैसे आपको मतलब, क्योंकि सिद्ध तो वैसे ही किया जाता है ना जैसे जैसे करना होता है। तो जो समीकरण एक अब इसके बाद निकालने के बाद आप जैसे आपने प्रश्न नंबर एक को सॉल्व किया है उसी तरीके से आपको इसको भी आगे आप सॉल्व करना है। ठीक, तो यहाँ पर इस पर स्थित बिंदु पहले निकालेंगे और दूसरी रेखा जो बनाएंगे उस पर स्थित बिंदु निकालेंगे, फिर दोनों को बराबर कर देंगे तो समीकरण बन जाएगा। ठीक, तो देखो यहाँ पर कितना हो जाएगा, जब हम लोग इसको इधर करेंगे तो यक्स बटा चार हो जाएगा बराबर में एम हो जाएगा, और ये भी इसके बराबर है तो इसको भी वाई प्लस में वन बराबर में छः ऐसे कर सकते हैं, और ये हो जेड प्लस में वन बटे में दो बराबर में एम ऐसे भी कर सकते हैं ना। तो अब यहाँ पर क्या, इसको तिरिया गुणा करेंगे तो यक्स बराबर कितना हो जाएगा चार एम हो जाएगा, और जब इसको तिरिया गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा छः एम हो जाएगा, और देखो इसको तिरिया गुणा करेंगे तो छः एम हो जाएगा, ये देखो माइनस में है, जब इसको हम लोग इधर भेजेंगे तो माइनस का वन हो जाएगा है ना, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये भी उसी तरीके से हो जाएगा, तिरिया गुणा करेंगे तो दो एम हो जाएगा, और उसके बाद ये जो माइनस यानी प्लस का एक है जब हम लोग इसको बराबर कुछ पार भेजेंगे तो माइनस का एक हो जाएगा। ठीक, तो माइनस का एक हो जाएगा। अब ये आपको क्या आ गया है, इस पर जो स्थित बिंदु है, ठीक, तो ये आपका बिंदु हो गया, या इसी को आप प्रतिच्छेद बिंदु भी बोल सकते हो। ठीक, तो ये हो जाएगा आपका फोर एम आ गया, और कितना छः एम माइनस वन आ गया, और कितना है, और आपका है 2m माइनस वन है। ठीक, तो ये आपका प्रतिच्छेद बिंदु या फिर आपका इस पर जो स्थित बिंदु है वो आ गया। ठीक, अब यहाँ पर आपको एक c नंबर पॉइंट दिया गया है, तो c नंबर पॉइंट है 3, 9 और कमा 4 है। ठीक, और उसके बाद एक d पॉइंट है, ये कितना है माइनस 4 है और 4 है 4 है। ठीक, तो ये आपके अब इन दोनों बिंदुओं द्वारा आपका मतलब जो रेखा बनेगा उसका समीकरण निकाल लेंगे। तो यहाँ पर ये हो जाएगा यक्स वन वाई वन जेड वन हो जाएगा, और ये हो जाएगा यक्स टू वाई टू जेड टू हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, यक्स माइनस यक्स वन होता है बटे में यक्स टू माइनस यक्स वन हो जाएगा, और बराबर में वाई माइनस वाई वन हो जाएगा, और बटे में वाई टू माइनस वाई वन हो जाएगा बराबर में, और जेड माइनस जेड वन हो जाएगा, और बटे में यहाँ पर हो जाएगा जेड टू माइनस जेड वन हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा हमारा, यक्स माइनस यहाँ पर यक्स वन कितना है तीन है, और बटे में इसमें से इसको घटाएंगे तो माइनस चार और माइनस का तीन हो जाएगा। ठीक, तो और बराबर में यहाँ पर हो जाएगा वाई माइनस, तो वाई वन कितना है नौ है, और बटे में कितना हो जाएगा चार माइनस में नौ हो जाएगा। ठीक, उसके बाद जेड माइनस जेड वन कितना है चार है, और बटे में ये कितना है जेड टू मतलब हमारा फोर है माइनस जेड वन, तो माइनस चार हो जाएगा। ठीक, तो ये हमारा हो जाएगा यक्स माइनस तीन बटे में माइनस चार तीन कितना हो जाएगा सात हो जाएगा, और ये हो जाएगा वाई माइनस में नौ बटे में इसमें से घटाएंगे तो माइनस का पाँच हो जाएगा। ठीक, और बराबर में जेड माइनस चार हो जाएगा इसमें जिसको घटाएंगे जीरो हो जाएगा। ठीक, और ये हो जाएगा बराबर इसके बराबर हम लोग मान लेंगे यानी एन मान लेंगे। ठीक, तो यहाँ पर इस पर जो यानी स्थित बिंदु निकल आएगा। ठीक, तो ये हो जाएगा यक्स माइनस सात और यक्स माइनस तीन बटे में सात हो जाएगा, ये एन के बराबर है और ये भी एन के बराबर, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं माइनस का पाँच हो जाएगा बराबर एन हो जाएगा, और ये हो जाएगा जेड माइनस चार और बटे में जीरो बराबर एन हो जाएगा।
तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, जब हम लोग इसको तिर्यक गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा यक्स बराबर में, इसको तिर्यक गुणा करेंगे तो माइनस का 7n हो जाएगा, ये माइनस में ना इसको इधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा, और इसी तरीके से वाई बराबर में कितना हो जाएगा, इसको इधर गुणा करेंगे तो माइनस का 5n हो जाएगा, और ये माइनस में इसको इधर भेजेंगे तो प्लस का 1 हो जाएगा, ठीक। और ये कितना हो जाएगा, जेड बराबर कितना, देखो इसको गुणा करेंगे 0 हो जाएगा ना, और ये माइनस में है 4, इसको इधर भेज देंगे तो हो जाएगा प्लस का 4 हो जाएगा, ठीक। तो अब ये आपका जो यक्स का वैल्यू, वाई का और जेड का वैल्यू जो आया है, इसको हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर ये जो है ना इसमें रख देंगे, ठीक। या आप कह सकते हो कि इसका ये जो बिंदु है और दूसरा जो रेखा का बिंदु आया, इन दोनों को बराबर कर देंगे, ठीक। तो यहाँ पर देखो, तो आपका जो यानी कि रेखा वन है उसका जो, उस पर जो स्थित बिंदु आया वो यक्स बराबर कितना आया, 4m आया, तो इसके स्थान पर हम लोग 4m रख देंगे, ठीक। बराबर में कितना है, माइनस 7n प्लस में 3 हो जाएगा, ठीक। और उसके बाद यहाँ पर y बराबर उसमें आया था 6m माइनस में 1 आया था, ठीक। तो हम यहाँ पर रख देंगे तो यहाँ पर जाएगा 5n प्लस में 1 हो जाएगा, और z बराबर उसमें आया था आपका 2m माइनस में 1 आया था, ठीक। और बराबर इधर कितना है, 4 है। तो अब यहाँ पर हमें आपको अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 रेखा आपको मिल जाएंगे, ठीक। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, इसको जब हम लोग इधर करेंगे तो जाएगा 4m प्लस में 7n हो जाएगा, और बराबर में इधर कितना बचेगा, 3 बचेगा, ठीक। समीकरण 1 बन जाएगा हमारा। अब हम लोग इसको इधर करेंगे तो हो जाएगा 6m और प्लस में 5n हो जाएगा, और बराबर में ये माइनस के 1 को इधर भेजेंगे तो 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, समीकरण 2 बन जाएगा। और यहाँ पर ये आपको कितना है, 2m है, और जब हम लोग इसको इधर भेजेंगे तो प्लस का 4 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ठीक। तो यानी 2m बराबर में 5 आ जाएगा, ठीक। ये आपका आ गया समीकरण 3 आ गया, ठीक। अब इस समीकरण जो तीनों समीकरण हैं, इसमें समीकरण 1 और 2 को जब हम लोग सॉल्व कर लेंगे तो हमें m और n का वैल्यू पता चल जाएगा, ठीक। तो m का वैल्यू अगर यहाँ पर रख देंगे, रखने पर अगर 5 आ गया, यानी ये समीकरण 3 को संतुष्ट कर रहा है, अगर संतुष्ट कर रहा है तो यानी एक दूसरे को काट रहे हैं, नहीं तो नहीं काट रहे हैं, ठीक। तो चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब देखो यहाँ पर आपको करना क्या है, समीकरण 1 और 2 को सॉल्व कर लो, यहाँ पर m और n का वैल्यू निकाल लो। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, देखो हम लोग समीकरण 1 में इसमें कितना है, 6 है ना, तो इसमें 6 से गुणा कर देते हैं। तो यहाँ पर समीकरण 1 में जब 6 से गुणा कर देंगे कितना हो जाएगा, 6 × 24 m हो जाएगा, और प्लस में 7 × 42 हो जाएगा, n हो जाएगा, बराबर में 36 × 18 हो जाएगा, ठीक। और समीकरण 2 में हम लोग कितना, इसमें 4 से गुणा कर देते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा 6 × 24 m हो जाएगा, प्लस में 5 × 20 n हो जाएगा, बराबर में 4 × 2 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ठीक। इसको घटा देंगे तो यहाँ से कट जाएगा मतलब, और इसमें से इसको घटाएंगे तो 22 n हो जाएगा बराबर में, और इधर कितना हो जाएगा, और उसके बाद जब यहाँ पर हम लोग इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 8 घटाएंगे तो 10 बचेगा, ठीक। और सॉरी कहीं पर मिस्टेक हो रहा, तो क्योंकि इसका वैल्यू 1 आना चाहिए, तो यहाँ पर देखते हैं, अच्छा यहाँ पर हो गया, ठीक। देखो ये आपका कितना है, 9 है ना, और इसको हमने यहाँ पर 1 बना दिया, ठीक। तो यहीं पर हो गया मिस्टेक, और जब हम लोग इसको इधर भेजेंगे तो ये हो जाएगा प्लस का 9 हो जाएगा, ठीक। तो ये हो जाएगा हमारा 9, और 9 को 1 जोड़ेंगे, 9 में 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा ना, तो ये हो जाएगा हमारा 10 हो जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर जो 2 है आपका, ये 10 हो जाएगा, ठीक। तो जब हम लोग इसमें 4 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 40 हो जाएगा यहाँ पर। तो हम लोग 40 में से कितना घटाएंगे, 18 घटाएंगे, तो यहाँ पर 2 बचेगा, और यहाँ पर 3 में से 1 घटाएंगे 2 बचेगा, ठीक, मतलब 22 आ जाएगा। तो अब ये हो गया आपका सही, ठीक। तो यहाँ हो जाएगा माइनस का 22, क्योंकि हम देखो माइनस 40 में बढ़ा है ना, तो यहाँ पर इसको काट देंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का 1 हो जाएगा, ठीक। और अब हमें क्या करना, अब हमें यहाँ पर क्या करना है, हमें यहाँ पर समीकरण 1 और 2 में कहीं पर रख दो, ठीक। तो चलो समीकरण फर्स्ट से देख लेते हैं, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 4m प्लस में 7n है, और बराबर में 3 है, ठीक। यहाँ पर n का वैल्यू रखो तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 4m हो जाएगा, प्लस में ये हो जाएगा 7, माइनस का 1 है, और बराबर में 3 है, ठीक। तो ये हो जाएगा 4m और माइनस का 7 हो जाएगा, बराबर का 3 हो जाएगा, इसको उधर भेज देंगे तो कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक। तो यानी ये हो जाएगा 4m और बराबर में 7 3 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, ठीक, मतलब इधर आ जाएगा प्लस में और जुट जाएगा तो 10 हो जाएगा। तो देखो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखो गुणा में दो हमने इधर करेंगे भाग में हो जाएगा, तो यानी 10/4 हो जाएगा। तो दो पंचे कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 2 × 4 हो जाएगा, ठीक। ये आ गया 5/2 आ गया, यानी m का वैल्यू कितना आ गया, m बराबर में आ गया 5/2 आ गया, ठीक। देखो n का वैल्यू, m का वैल्यू पता चल गया है ना। अब समीकरण आपको क्या है, समीकरण 3 आपका ये है, ठीक। तो यहाँ पर हम लोग m का वैल्यू रख देंगे, यानी कि समीकरण
तीन से, ठीक। तो समीकरण तीन से अब यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये है 2m बराबर में 5, ठीक। इसको 5 की भूख है, ठीक। तो अब क्या करना है हमें, 2 और m के वैल्यू कितना रखना है, 5/2 रखा है, मतलब जो आया, ठीक। और इसको काट देंगे कितना आ गया, 5/5 आ गया, ठीक। मतलब इसको जितना भोग था उतना रोटी इसको मिल गया ना, तो ये हो जाएगा संतुष्ट हो गया ना। अब ये संतुष्ट हो गया, अब ये कुछ नहीं बोलेगा। अब यहाँ पर क्या हो गया, अगर ये संतुष्ट हो गया इसका मतलब कि जो समीकरण जो आपका मतलब रेखा 1 है और रेखा 2 है, ये दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, क्रॉस कर रहे हैं, एक दूसरे को काट रहे हैं, ठीक। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं चूँकि, तो देखो ये आप लिख देना कि चूँकि एन और एम का जो मान है समीकरण 3 को संतुष्ट करता है, इसलिए जो दिए गए बिंदुओं की जो रेखाएं हैं वो क्या है, एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं। अब यहाँ पर आपसे पूछा है, एक और पूछा है, मतलब आपको निकालना है प्रतिच्छेदन बिंदु, ठीक। तो प्रतिच्छेदन बिंदु का मतलब होता है जो आपके यक्स वाई जेड का वैल्यू जो आया है, यक्स बराबर वाई बराबर जेड बराबर जो आया है, ठीक, इसी का वैल्यू हमें निकालना है, ठीक। तो देखो ये आपका हो गया ना कि प्रतिच्छेदन बिंदु, मतलब ये आया यक्स वाई जेड बराबर ये आए हैं, ठीक। तो हमें यहाँ पर एम का वैल्यू रख देना है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, इसमें रखेंगे तो 5/2 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 5/2 -1 हो जाएगा, और उसके बाद यहाँ पर जाएगा 2 और 5/2 -1 हो जाएगा, ठीक। तो इससे इसको काटेंगे तो 2 हो जाएगा, और इसको इससे काटेंगे 3 हो जाएगा, और ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना हो गया, 5 × 2 = 10 हो गया, और 5 × 3 कितना हो गया, 15 - 1 हो गया, और ये कितना हो गया, 5 - 1 हो गया, ठीक। अब यहाँ पर 10 हो जाएगा, इसमें घटाएंगे 14 हो जाएगा, इसमें से घटाएंगे 4 हो जाएगा, ठीक। तो बस यही हमारा प्रतिच्छेद बिंदु हो जाएगा। आई होप आप समझ गए होंगे।